अल्टरनेट दिया जाए। इसी तरह जो है जो चीज़ पता चलती है आपकी ज़िंदगी से वो ये है कि गलती जिससे हो जाए तो उस गलती से कैसे बचा जाए वो तरीका भी उसको बताया जाए। कोई इंसान अगर गलती कर ले तो आइंदा कैसे बचे उसका तरीका बताया जाए। एक वाकया आता है जो कि मुत्ता इमाम मालिक की रिवायत है और उस हदीस में जो है सहल बिन जो है हनीफ जो है रज़ी अल्लाह उनको नज़र लग गई और अचानक वो घर गए और बीमार हो गए बहुत तेज़ बुखार। आपने कहा कि सहल कहाँ चले गए अभी तक नहीं आए, तो कहा अल्लाह के रसूल उसको तो बुखार आ गया। अभी तो गया वो शख्स तो कहाँ आ गया, आप फ़ौरन घर पहुँचे, कहा क्या हुआ, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो है घर में इस तरह आया अपना शर्ट उतारा तो एक शख्स ने कहा कि तुम्हारी जिल्द तो कुंवारी लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत, मतलब बहुत हसीन थे वो बहुत हसीन। तो कहा तुम तो लड़की जितनी होती हो उतने खूबसूरत हो। ये कहते ही वो वहीं गिर गए और उनको जाड़ा चढ़ गया खूब बुखार, मतलब उनको नज़रें बद लग गई बुरी नज़र लग गई ना। तो आपसे मैं फ़ौरन सहाबी को कहा कि जब तुम किसी को देखो तो अल्लाह से बरकत की दुआ किया करो कि बारकल्लाहु फी। ये क्यों कह दिया कि तुम्हारी जिल तो जो है कुंवारी लड़कियों से खूबसूरत नज़र लग गई ना, ये कह दिया कि बारकल्लाहु फी, अल्लाह बरकत दे कितनी खूबसूरत हो तुम, ये क्यों नहीं कहा तुमने। फ़ौरन आपने क्या किया, गलती क्यों हुई उसका हल दिया आपने कि आइंदा नहीं होने की वजह बारकल्लाहु फी। तो आप भी किसी के बारकल्लाहु फी है बड़ी अच्छी औलाद है, बारकल्लाहु फी बड़ा अच्छा घर है आपका, बारकल्लाहु फी बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी, बरकत की दुआ दीजिए वरना नज़र लग जाती है फिर। ठीक है, इसी तरह जो है गलतियों की इस्लाह करने वाले को बगैर